हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साल के पहले दिन 2023 में हम सभी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि साल 2023 आप लोगों के लिए बहुत शुभ हो। शुरू करते हैं, देखते हैं आज की एनर्जी आप दोनों की कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे कैसी रहेगी आज के दिन में। फर्स्ट कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, फाइव ऑफ कप्स। सेकंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थर्ड वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ वी हैव जजमेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कलेक्टिव एनर्जी है एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। कुछ लोगों को मैसेजेस आ चुके हैं, जिन्हें आ चुके हैं वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। जिन्हें नहीं आए हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं कि आपके पर्सन अब आपको मैसेज करेंगे, अब आपको मैसेज करेंगे। और अगर आप में से कुछ लोगों को मैसेजेस रिसीव नहीं होते हैं तो इस चीज़ से आपको बहुत तकलीफ़ भी होगी। ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिन शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई है, थोड़ा अपसेट हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। किसी बात का स्ट्रेस है, कोई डिसीजन भी आप गुस्से में लेने की सोच रहे हैं कि ठीक है ऐसा है तो ठीक है, वैसा है तो ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव आप बना रहे हैं और कन्फ्यूजन भी है यहाँ पर कुछ लोगों को। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपको आपके जो कर्म हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हो रही हैं वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, लगता है मेरे डेस्टिनी में यही था या मेरे डेस्टिनी में ये नहीं है। इस तरह के थॉट्स भी आप आज के दिन में क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, केतु जो हैं वो एक छाया ग्रह हैं। उनका काम है इल्यूजन्स क्रिएट करना, उनका काम है डिटैच करना। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ पहले दिन शुरू हो चुकी हैं तो समझ लें कि यह केतु का प्रभाव है। आपको केतु डिटैच कर रहे हैं, चीज़ों से डिटैचमेंट, लोगों से डिटैचमेंट, खुद से डिटैचमेंट। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके लिए सिंपल सा उपाय है, मेडिटेशन करें। अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो सबलिमिनल्स यूज़ करें या अपना फेवरेट काम करें। और अगर आप भगवान गणपति को मानते हैं तो गणपति की आराधना ज़रूर करें। जब भी आपको टेंशन हो गणपति की पूजा करें। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। थर्ड वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। कलेक्टिव एनर्जी इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पीरियड में हैं। अगर आप में से कई लोगों को आपके पर्सन ने मैसेज कर दिया है तो समझ लें कि उन्होंने पहला जेस्चर दिया है। कुछ लोगों के पर्सन ने अगर मैसेज नहीं किया है तो आप उदास ज़रूर हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप करोगे, शायद आप उन्हें मैसेज करोगे, शायद आप उनकी तरफ आओगे हमेशा की तरह अपने इमोशंस का कप लेकर। तो यहाँ पर वो वेटिंग पर हैं क्योंकि आपकी रीडिंग की शुरुआत ही हुई है थ्री ऑफ वॉन्ड्स से। तो ये सही समय का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि जब इन्हें ऐसा लगे कि आपने इन्हें मैसेज नहीं किया या आप नाराज़ हैं तो सोच विचार करके ये आपकी तरफ रिटर्न आए। डेविल दिमाग अपना भिड़ा रही है, नहीं अभी भी एटीट्यूड है, अभी भी ईगो है, अभी भी ये ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप ही इनके पास आओगे, आप ही चेज़ करोगे, आप ही गिड़गिड़ाओगे, आप ही मैसेज करोगे, आप ही इन्हें मनाने की कोशिश करोगे। तो ये कुछ लोगों के पर्सन के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के पर्सन ऐसी एनर्जी में हैं कि थोड़े टाइम वेट करेंगे, जब इन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं शायद मेरी गलती थी, मुझे ही जाना चाहिए, तो ये चुपचाप आपकी तरफ वापस आ जाएंगे, मैसेजेस करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन में बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके साल का पहला दिन ही बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब बीता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे लाइफ में कुछ तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मुझे जीने नहीं देंगे, जो मेरा ज़िंदगी नरक बना कर रखे हैं, और उनके खिलाफ़ ये कोई मोर्चा खोलने वाला है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। तो इस तरह की भी एनर्जी है कुछ लोगों के पर्सन की। तो देखते हैं इसके बाद जो बड़ी रीडिंग आएगी उसमें क्या निकल कर आता है। सो मिलते हैं बड़ी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।